राम राम। वेलकम टू अवर चैनल गुज्जर गर्ल्स। आज हम बना रहे हैं आलू कॉर्न चाट। इसके लिए हमें चाहिए आलू और कॉर्न। आलू हमने पहले से ही छील कर रख ली हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आलूओं को बड़े बड़े इस तरीके से हम अपने सारे आलू कट कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके उसको अच्छे से हीट कर लेंगे। इसमें हम अपने आलू फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपने कटे हुए आलू जो क्यूब्स में कटे थे वो इसमें धीरे धीरे करके डालकर फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे जो आलू हैं वो गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे आलू फ्राई कर लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको ठंडा करने के बाद इसको ऐसे लेंगे और हाथ से प्रेस करके फ्लैट कर देंगे। ये इस तरीके का हो जाएगा और फिर इसको वापस से हम डीप फ्राई करेंगे। हमने ये गोल्डन ब्राउन में जो आलू थे उनको हाथों से प्रेस करके इस तरीके से फ्लैट कर लिया है। अब इनको वापस से हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इनको वापस से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। पहले अपने ये जो कॉर्न है ये बॉइल्ड कॉर्न है, हम बॉइल्ड कॉर्न यूज कर रहे हैं। अब डालेंगे इसमें दही। फिर डालेंगे इसमें अपनी सॉल्ट वाली लाल चटनी जो हमने बनाई है। ऊपर से डालेंगे अनारदाना। थोड़ी सी हरी चटनी और फिर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। हमारी क्रिस्पी आलू कॉर्न चाट तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।